छत्तीसगढ़ में 4 वर्ष बाद खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विश्वदेव साय ने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अलग अलग खेल श्रेणी में प्रतिभावान 133 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। 411 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। इस दौरान समारोह में बलिदानी विनोद चौबे की पत्नी रंजना चौबे और बलिदान कौशल यादव की माता जी का सम्मान किया गया। राज्य खेल अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आग्रह अपना स्थान ग्रहण करने के लिए और अब अवसर है मंच पर उपस्थित शहीदों के परिजनों के सम्मान का, उन्हें शॉल भेंट कर सम्मान किया जाएगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। शहीद विनोद चौबे जी की धर्मपत्नी श्रीमती रंजना चौबे जी मंच पर हैं, उनके सम्मान के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। 12 जुलाई 2009 को राजनांदगांव के मदनवाड़ा जंगलों में नक्सलियों से लोहा लेते हुए जाबांज पुलिस अधीक्षक शहीद विनोद चौबे जी और उनकी टीम ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। इसके साथ है शहीद राजीव पांडे जी, उनकी माता जी शहीद कौशल यादव जी की माता जी हमारे बीच मंच पर हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। दुर्ग जिले के वीर सपूत कौशल यादव ने सन 1999 कबीरधाम जिले के खिलाड़ी हैं श्री संजय जांगड़े वुशु खेल के, इनका सम्मान प्राप्त करने के लिए इनके भाई मंच पर। और इसके बाद हैं श्री विशाल शुक्ला जांजगीर चापा के खिलाड़ी पैरा जूडो, श्री विशाल शुक्ला आगे बढ़ते हुए जांजगीर चापा जिले के ये खिलाड़ी हैं पैरा जूडो के खिलाड़ी। और इसके बाद हैं श्री राजेश दुर्ग से कराटे के खिलाड़ी। आगे बढ़ रहे हैं श्री राजेश दुर्ग जिले के कराटे के खिलाड़ी। और इसके बाद शहीद पंकज विक्रम सम्मान वर्ष 2020-21 के लिए हम आमंत्रित करते हैं कुमारी दिव्या पटेल को दुर्ग से बॉल बैडमिंटन के लिए। कुमारी दिव्या पटेल। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रभात सेठ। कुमारी दिव्या पटेल दुर्ग से और प्रभात सेठ महासमुंद से हैं, पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं प्रभात सेठ। इसके बाद आमंत्रित हैं कुमारी नेहा जायसवाल कोरबा से बेसबॉल के लिए। कुमारी नेहा जायसवाल कोरबा से हैं, बेसबॉल के लिए आपको पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद आमंत्रित हैं श्री परमदीप कौर की माता श्री आ रही हैं। श्री परमदीप कौर जी की माता जी आमंत्रित हैं दुर्ग से रोल बॉल के लिए सम्मान ग्रहण कर रही हैं। इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी आर देवांशी बिलासपुर से टेबल टेनिस के लिए। कुमारी आर देवांशी बिलासपुर से टेबल टेनिस के लिए आपको पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा है 25,000 रुपये की राशि, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र। इसके बाद आमंत्रित हैं श्री सागर घटगे रायपुर से टेबल टेनिस के लिए ही। श्री सागर घटगे रायपुर से टेबल टेनिस के लिए आपको पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी जे सुधा। समय अभाव के चलते माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने दूसरे निर्धारित कार्यक्रम के लिए जाना पड़ रहा है, तो लेकिन कार्यक्रम लगातार यहां पर संचालित है। सम्माननीय अतिथिगण जो मंच पर हैं उनके करकमलों से सम्मान दिया जाएगा। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कि उन्होंने अपना समय दिया और वे यहाँ पर युवा खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए आए थे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रमन सिंह जी भी अपने निर्धारित कार्यक्रम के चलते। देखिए, जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो हमारे प्रदेश
के जो शहीद लोग थे उनकी यादगार में राज्य खेल अलंकरण अवार्ड का शुरुआत किए थे, जो पिछले 5 साल बिल्कुल बंद रहा, लेकिन फिर जब हम लोग सरकार में आए तो इस अलंकरण समारोह को फिर प्रारंभ किए हैं। और आज 2 साल के जो भी प्रतिभा हैं उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, और इससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन मिलेगा और खेल के जगत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे।